सोगवारो। नौहा पेश करने जा रही है, पुरदर्द नौहा पढ़ने वाली अंजुमन मशहूर मारूफ शोरा आफाक साहिब बयाज जनाब आबिद हुसैन साहब अपने मखसूस अंदाज में नौहा पेश करते हैं। एक मंजर आपकी खिदमत पे पेश करना चाहता हूँ सोगवारो। आज़ादारान मज़लूम करबला, शाम गरीबा का वो हौलनाक मंजर, संगलाख वादी। अभी आपने इसी अंजुमन के दूसरे साहिब बयाज से नौहा समात किया। शहजादी सकीना बयान कर रही थी कि करबला के बाद में सोई नहीं हूं। वो सकीना जो सुकून सरवर है, शाम गरीबा के उस संगलाख वादी में जब नींद सताने लगी, शब का सन्नाटा छाया, सकीना को नींद ने सताना शुरू किया, बाबा का सीना याद आया। सकीना बेकस यतीमा मक्तल की जानिब चलने लगी। जनाब ज़ैनबुलिया मकाम ने बच्चों का शुमार किया, सकीना नजर नहीं आती। आवाज दी, शहजादी सकीना अगर मक्तल की तरफ जा रही हो तो मक्तल की तरफ न जाओ, इसलिए कि मेरी शहजादी बेटी सकीना मक्तल में इतने नैजे भाले तीरों तबर पड़े हुए हैं कि कहीं आपका पांव न जख्मी हो जाए। सोगवारो, लेकिन बाप की मोहब्बत है कि बेटी को मक्तल की तरफ खींच रही है। सकीना ऐना अभी हुसैना, ऐना अभी हुसैना की सदा बुलंद करती हुई नशेबे हुसैन तक पहुंच गई। उधर से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया। सोगवारो, जनाबे सकीना मक्तल में पहुंची, इमाम हुसैन के जनाजे के पास पहुंची। तलाश कर रही हैं जनाबे सकीना कि हम अपने बाबा को बोसा कहाँ दें। रवायत के फिक्र हैं कि हुसैन गरीब के जिस्म पर इतने तीरों तबर थे कि कहीं बोसा देने की जगह ना बाकी थी। लेकिन जनाबे सकीना बाप के लाशे का तवाफ करते करते एक मर्तबा पांव की तरफ गईं, मौला के तलवे पर अपने रुखसार को रख दिया। आवाज दी, बाबा मेरे रुखसार जख्मी है शिम्र के तमाचों से। सोगवारो, वक्त गुजरा, शहजादी जैनब आ गई तलाश करते हुए। आवाज दी, सकीना तुम आई कैसे? और किसी जनाजे को, किसी शख्स को अगर पहचाना जाता है उसके चेहरे से पहचाना जाता है, उसके सर के जरिए से पहचाना जाता है। बेटी तूने कैसे पहचाना? एक मरतबा जनाबे सकीना ने आवाज दी, फूफी अम्मा जब मैं ऐना अभी हुसैना, आए बाबा कहाँ हो बाबा, सदा देती हुई इधर आई तो इधर से नशेब से आवाज आई, ए मेरी बेटी सकीना मेरे करीब आ जा। सोगवारो, जनाबे सकीना मक्तल में ऐसे नहीं पहुंच गई हैं, बल्कि रवायत के फिक्र ये हैं कि लाशों का जंगल था, लाशों में टकरा के गिरती थी, आवाज देती थी चचा मुझे बचा लो। ये गुर्बत है सकीना की, वो सकीना जो अभी करबला से पहले कभी जमीन पर नहीं चली थी, लेकिन आज करबला से जाने के, करबला में इमाम हुसैन के कत्ल के बाद जनाबे सकीना ने एक नया मरसिया पढ़ा, बाबा मुझे पैदल चलना आ गया। करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम तक जनाबे सकीना पंजों के बल चलकर सफर करती रही, आवाज देती रही, चचा कल नाजों से उठाया करते थे आगोश में, बाबा कल सीने पर लगाया सुलाया करते थे, चैन से सोती थी, लेकिन आज आपके बाद ये उम्मत, ये नाना की उम्मत मुझे इतना सता रही है। अगर मैं आपका नाम लेके रोना चाहती हूँ तो रोने नहीं देती है, अगर मैं सोना चाहती हूँ तो सोने नहीं देती है। यह है गुरबत सकीना। आइए इसी तस्वुर के साथ आपके सामने अंजुमन हैदरिया मनियारपुर अपने मखसूस अंदाज में जनाब आबिद हुसैन साहब नौहा पेश करने जा रहे हैं। समाप्त करें शहजादी आलमियान की बारगाह में, उनके लाल का पुरसा पेश करें। अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है, आइए हम सब मिलकर पुरसा पेश करें और आंसुओं का नजराना जनाबे जहरा के रुमाल में हदिया करने की कोशिश करें। मातम हुसैन। हजरत, बिला किसी तमहीद के मैं एक नौहा पेश करने चल रहा हूं। तसव्वुर फरमाएं कि मोमिनीन जहां जहां तशरीफ हैदा Thank you.
खुदा ने औलाद मुलाजा करे। Yes.
अख्तर ने तहरीर सकीना।